Subscribe to JK Roznama and push the bell icon to get notifications on your smartphone. जितने भी आप इंस्टीट्यूशन देखेंगे सारे डिपार्टमेंट हैं तो जेके बैंक को पीएसयू डिक्लेयर करने का कोई भी रीजन इसके पीछे नहीं है अगर हम 2010 की बात करें तो दे हैव स्टार्टेड दिस वॉर सिंस 2010 2010 में इन्होंने वेज एंड मींस छीन लिया जेके स्टेट गवर्नमेंट का अभी ये 2018 में इसको पीएसयू डिक्लेयर कर रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर कि अगले एक साल दो साल अगले वाले वक्त में आने वाले वक्त में इसको ये मर्ज करेंगे किसी भी बैंक के साथ किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के साथ तो ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म है जेएनके स्टेट के खिलाफ जिसको हम बर्दाश्त करते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे इधर गिव अस थ्री गुड रीजंस कि इसको पीएसयू डिक्लेयर करने का रीजन क्या है दैट्स इट जो इकोनॉमिकली वायबल रीजन हो खाली ऐसा रीजन नहीं कि इनको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट है उसके लिए हम करेंगे अगर हम देखें ऐसा बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो खाली जेके गवर्नमेंट का ओन्ड है पीएसयू नहीं है ऐसा एक ही मॉडल था हमारे पास इससे पहले जो कि सिक्किम में था उसके फेलियर हम देख चुके हैं तो जब सिक्किम बैंक को ये कुछ नहीं कर पाए उसको भी तो इन्होंने टेक ओवर करके ऐसा पीएसयू बनाया था तो उसमें तो कोई प्रोग्रेस नहीं आई तो उस मॉडल को क्यों बोल रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर तो इसके पीछे सीधा नजर आता है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड बेनिफिट है जो ये अवेल करना चाहते हैं और उस चीज को हम होने नहीं देंगे इकोनॉमिक बैकलैश जी हां वाला मैं मक्लूम हूं और सेकंडली आपको क्या लगता है कि जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैसे हिट होंगे इन द लॉन्ग रन से अगर ये पीएसयू बन जाता है सर इसका एक सिंपल आंसर आपको खुद ही मिल सकता है जो यहाँ पर अदर बैंक्स है अदर देन जेएनके बैंक वो इंडस्ट्री को कितनी लैंडिंग करते हैं जब ये पैसा लैंडिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे Subscribe to JK Roznama and push the bell icon to get notifications on your smartphone.